गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ्स। यस स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिया था। सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। यस, आवर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 2 इन द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कुछ नंबर दिए गया है, उसमें आपको उनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। 2 और 6 दो डिजिट की बतानी है। जैसे कि फर्स्ट डिजिट है 28506। यस, अभी हमने 6 और 2 दो डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है। यस, पहले हम लोग प्लेस वैल्यू किसकी बताएंगे, क्योंकि ये वंस की प्लेस पे। हम लोग हमेशा, आपको मैंने बताया था कि मैथ को लेफ्ट टू राइट करने की कोशिश किया करो। पहला क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? वंस, तो 6। दूसरा है प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज, क्या है प्लेस वैल्यू 2 की? 2 कौन सी प्लेस पे है? वो 1, 10, 100, 1000 और 10000। और मैंने आपको ये भी तरीका बताया था कि जिसकी प्लेस वैल्यू पूछी हो उसके बाद जितने डिजिट है उतने काउंट करके जीरो लगा दो। जैसे कि 2 के बाद कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, तो हमने 40 लगा दिए, यानी कि ये 2, 10000 की प्लेस पे है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 3, 6, 2, 6, 5। अब इसमें आप देखोगे 6 की प्लेस वैल्यू, पहले ये वाले 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है, फिर इस 6 की बतानी है, फिर 2 की। यस, पहले 6 की प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 6 इज क्या है? 1, 10, तो 10 का मतलब 10 लगानी होती है। दूसरा है प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 6 की क्या है? 1, 10, 100, 1000, तो उसकी क्या है? 1000। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू ऑफ 2, क्योंकि हमें दो डिजिट की बतानी है, 2 की भी और 6 की भी। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1, 10 और 100। और इसको आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि 2 के बाद कितने डिजिट है उतनी जीरो लगाकर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 5, 2, 2, 6, 6। अब देखो, पहले फर्स्ट 6 की क्या लिखोगे आप? प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 6 इज क्या होगी? 1, तो 6 का 6 ही लिखा जाएगा। अब है प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 6 इज क्या होगी? 1 और 10, तो क्या आएगा? 60। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू ऑफ 2, आपने एक बार देखिए कि इसमें 6 भी 2 टाइम्स है और 2 भी 2 टाइम्स है, तो हमें दोनों की वैल्यू 2 टाइम्स बतानी होगी, दोनों 2 की। अब जैसे ये फर्स्ट 2 इज 1, 10, 100, तो 100, और प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 2 इज 1, 10, 100, 1000, तो ये अपने प्लेस वैल्यू वाला क्वेश्चन फिनिश। अब आपको ये अपनी फेयर कॉपी में इसी तरह करना है जिस तरह मैंने ये आपको करवाया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 और 5 इसके हैं, वो भी आपको करने हैं अपनी उसी कॉपी में। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मार्क द राइट सिंबल बिटवीन द गिवन नंबर्स। जो आपको नंबर दिए गए हैं उनमें आपको ये मार्क शो करने हैं, ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल टू का। अब आपको पहले ही मैंने आपको ये समझाया हुआ है, लेकिन आज फिर भी मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। आपको देखना है, पहले तो आप डिजिट काउंट किया करो कि कितने डिजिट हैं। जैसे देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब डिजिट तो इक्वल है, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 डिजिट का कंपेरिजन करेंगे। जैसे फर्स्ट डिजिट है 2 और इसमें भी 2 है, फिर सेकंड डिजिट इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, सेकंड डिजिट सॉरी थर्ड डिजिट इसमें 7 है और इसमें 3 है। अब देखो 7 ग्रेटर है या 3 7, तो इट मीन्स हम लोग ग्रेटर देन का साइन इस तरफ लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 4 2 3 5 4 3
टू। अब तो देखो दोनों डिजिट फोर फोर है, इसके बाद आप देखो पहले फर्स्ट डिजिट फाइव फाइव है, इक्वल है, फोर फोर इक्वल है, फिर टू है और यहाँ पे थ्री है, तो इट मीन्स थ्री ज़्यादा है तो हम लोग थ्री की तरफ साइन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट नाइन फाइव टू, एट नाइन फाइव टू, जैसे इसको पढ़ने पर ही पता चल रहा है कि ये है तो फोर फोर डिजिट और लग भी इक्वल रहे हैं, क्योंकि एट एट के साथ दोनों को कंपैरिजन करने पर दोनों इक्वल हैं, इसलिए इसको हम लोग इक्वल का साइन लगाएंगे। इसी तरह इसके टू सम्स और हैं जो हमें नेक्स्ट करने हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह स्मॉल टू ग्रेटर चलना है हमने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, पहले हम लोग देखेंगे कि डिजिट काउंट करेंगे सबके इक्वल है, वन टू थ्री फोर फाइव, 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 वन टू थ्री फोर फाइव। अब देखो सभी के फाइव फाइव डिजिट है, इट मीन्स इनमें हमने फर्स्ट फर्स्ट डिजिट देखना है कि कौन सा स्मॉल है। अब देखो सबसे पहले टू, टू वाला एक तो ये है, एक ये। अब देखो टू टू, अब दोनों में कंपैरिजन करेंगे, टू और टू इक्वल है, उसके बाद सिक्स और यहाँ पे फाइव, तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले टू फाइव नाइन सेवन फाइव, फिर उसके बाद टू सिक्स एट एट सिक्स। नेक्स्ट देखो थ्री, अब थ्री के बाद देखो थ्री के डिजिट कौन कौन से, देखो थ्री के भी टू है, एक ये और ये वाला। अब देखो पहले थ्री, थ्री कंपैरिजन करने पर दोनों इक्वल, फिर सेवन और ज़ीरो, अब अपने को जीरो कम लग रही है तो जीरो वाला पहले आएगा, फिर नेक्स्ट है थ्री सेवन सेवन टू फाइव। अब अपने पास एक ही डिजिट बचा है तो हम लोग उसको नंबर, एक ही नंबर बचा तो हम लोग उसको लिख देंगे। नेक्स्ट है इसमें उसी तरह, इसी में देखना है सभी के इक्वल हैं और फाइव 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 सभी इक्वल है, फिर नेक्स्ट देखना है नाइन थ्री नाइन सेवन सेवन, तो थ्री वाला फाइव थ्री नाइन ज़ीरो सेवन, फिर फाइव सेवन ज़ीरो थ्री नाइन, फाइव सेवन नाइन ज़ीरो थ्री, फिर फाइव सेवन सॉरी फाइव नाइन थ्री ज़ीरो सेवन, फाइव नाइन सेवन ज़ीरो थ्री। और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी कि बड़े से छोटा। ग्रेटर सबसे ग्रेटर कौन सा है, फाइव वाला, तो हम लोग फाइव, दो हैं फाइव वाले तो हमने दोनों में कंपैरिजन करना है, फाइव वन ज़्यादा है फाइव ज़ीरो, फाइव वन ज़्यादा तो हमने फाइव वन वाला पहले शो कर दिया, उसके बाद फाइव ज़ीरो नाइन टू फाइव। अब हमारे पास फोर वाले भी टू हैं तो दोनों में से फोर टू थ्री टू फाइव, फोर वन फाइव टू फाइव, और नेक्स्ट अपने पास एक ही नंबर बचा है थ्री वाला, थ्री फोर वन फाइव टू। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट सिक्स, एट वन है, एट फाइव है, एट टू है, एट वन है, तो इट मीन्स एट सिक्स सबसे ग्रेट है, तो इस ग्रेटर है तो इसलिए हमने ये लगा दिया। फिर नेक्स्ट फाइव वाला, उसके बाद एट वन, एट वन है सॉरी एट टू वाला है, फिर नेक्स्ट है एट वन वाले, एट वन एट वन, फिर थ्री और वन, तो इट मीन्स थर्ड डिजिट यहाँ पे थ्री है, वहाँ पे वन है, तो हमें क्या लिखना है, एट वन थ्री वन सिक्स, एट वन वन फाइव फोर। ये आपकी, इसके अलावा आपके इसके क्वेश्चन नंबर थ्री और है, वो आपको फिर कॉपी में करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।